अब हम देखते हैं, जैसे अगर हमारे पास कोई फंक्शन है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग डी मल्टीप्लेक्सर, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, ये फंक्शन है आपके पास, समेशन ऑफ मिन टर्म 0, 2, 4, 6। ठीक है, ये फंक्शन है, इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग डी मल्टीप्लेक्सर, तो कैसे करोगे? ठीक है, डी मक्स यूज़ करना है आपको। तो जितने आपके यहाँ पर वेरिएबल्स हैं उतनी आप सिलेक्ट लाइन्स ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं? 3। तो m की वैल्यू क्या हो गई? 3। उतनी आप सेलेक्ट लाइन्स ले लो। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 to the power m = n। ठीक है, n है नंबर ऑफ आउटपुट्स, m है नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स। तो इससे हम, अगर हमारे पास m की वैल्यू दे रखी है तो n की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो 2 to the power 3 हो जाएगा आपका 8। तो मतलब n की वैल्यू क्या आ गई? 8। तो कौन सा डी मल्टीप्लेक्सर यूज़ करोगे? 1:8। ठीक है, अब हम इस फंक्शन को देखते हैं, इस फंक्शन का बना लेते हैं ट्रुथ टेबल। ठीक है, कैसे ये फंक्शन वर्क करेगा? तो ये हमारे पास हो गया ए बी सी, 3 वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स हो गए और आउटपुट हो गया वाई। अब हमारे पास ये मिन टर्म प्रेजेंट है, इसके लिए मतलब आउटपुट क्या है हमारा? हाई है। ठीक है, बाकी जो मिन टर्म्स हैं उसके लिए क्या है? 0। तो फर्स्ट जब इसकी वैल्यू ए बी सी की 0 0 होगी, तो हम इसे डेसिमल में लिख लेते हैं, ये हो गया आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो जब 0 मिन टर्म है तो आउटपुट क्या है हमारा? हाई। 0 पे आउटपुट क्या है? हाई। ठीक है, उसी तरह 2 पे आउटपुट हाई है, तो 2 पे हमें क्या मिलेगा? 1। और 4 पे हाई है, तो 4 पे क्या मिलेगा? 1। इसी तरह 6 हाई है, इट मीन्स 6 पे मिलेगा हमें 1। बाकी सब मिन टर्म्स क्या हो जाएंगी? 0। ठीक है, तो ये हो गया ट्रुथ टेबल फॉर दिस फंक्शन, कि ऐसे ये फंक्शन वर्क करेगा। जो मिनटर्म प्रेजेंट है उसके लिए आउटपुट हाई होगा, और जो एबसेंट है वो उसके लिए आउटपुट 0 होगा। ठीक है, ये हो गया इसका ट्रुथ टेबल। अब हम बनाते हैं डी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो हमने कौन सा डी मल्टीप्लेक्सर बनाना है? 1:8। ठीक है, सिंगल इनपुट और 8 आउटपुट्स, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 आउटपुट्स हो गए। ये हो गया फर्स्ट आउटपुट y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7। ठीक है, अब जो ये आउटपुट की जो वैल्यू, इसका हम अब देख लेते हैं फंक्शन टेबल। ठीक है, डी मल्टीप्लेक्सर का, तो जब ये सेलेक्ट लाइन्स हो गए, ये आउटपुट्स हो गए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितने आउटपुट्स हैं? 8 आउटपुट्स हैं। अब जब ये सेलेक्ट लाइन्स पे ये वैल्यू होगी, तो हमें आउटपुट मिलेगा y0 पे। हमें जो इनपुट है हमारा ये आई, ये हमें जब यहाँ पर ये सेलेक्ट लाइन्स हो गई, इसकी 3 सेलेक्ट लाइन्स होंगी। ठीक है, हमने ये मान लिया s2 s1 s0। ठीक है, जब इसकी वैल्यू 0 0 0 होगी, तब ये इनपुट कनेक्ट होगा y0 आउटपुट से। ठीक है, तो हमें y0 पे मिलेगा आई, और बाकी सब पे क्या मिलेगा? 0। ठीक है, तो और जब इसकी वैल्यू, फिर जैसे ये 0 हो गई, अब नेक्स्ट वैल्यू इसकी ये होगी, तो इस पे हमें आउटपुट किस पे मिलेगा? y1 पे, और बाकी सब क्या हो जाएंगे? 0। ठीक है, तो उस केस में जब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0 0 1, तो इनपुट कनेक्ट हो जाएगा सेकेंड आउटपुट से, y1 से, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें i, और बाकी सब पे हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से 1:8 डी मल्टीप्लेक्सर वर्क करेगा। अब देखो, वाई की जो, जब हम बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो हमारे पास आएगा s2 s1 s0, इन सब का कॉम्प्लीमेंट i। ठीक है, ऐसी y1 की लिख लोगे तो s2 s1 s0 i, ये हो जाएगी y1 की एक्सप्रेशन। ठीक है, ऐसी आप सबके लिख लोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं फंक्शन की, फंक्शन का जब आप ये, इसके पास ये हमारा ट्रुथ टेबल था इसका। अब हम इस, अगर हम मिन टर्म लिखें इस फंक्शन की, फर्स्ट मिन टर्म, तो वो क्या होगी? 0 0 0। ठीक है, तो ए बी सी तीनों के कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये फर्स्ट मिन टर्म होगी हमारे पास। अगर ऐसी हम इसकी सेकंड मिन टर्म लिखें, तो ये क्या हो जाएगी? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। जब 0 होती है वैल्यू, तो हम ए का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, मतलब वेरिएबल्स का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। अगर 1 होगी, तो हम उस वेरिएबल को एज इट इज़ लिखते हैं। ठीक है, तो अब ये मिन टर्म्स हो गई। ठीक है, अब देखो, अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें ए बी सी, इन सेलेक्ट लाइन्स पे ए बी सी ले लें, तो हमें यहाँ पर देखो क्या मिलेगा? इनकी जगह क्या हो जाएगा? ये ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और देखो इसकी जगह क्या हो जाएगा नेक्स्ट? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। ठीक है, इट मीन्स ये देखो, अब ये क्या है? ये फर्स्ट मिन टर्म है। ठीक है, ऐसी अगर हम ये सेकंड देखें, तो ये सेकंड मिन टर्म है। ठीक है, इट मीन्स फर्स्ट आउटपुट पे हमें फर्स्ट मिन टर्म मिलेगी।
ठीक है, एम ज़ीरो मिलेगा, ऐसी वाई पे हमें मिलेगी मिन टर्म एम वन, ठीक है, ऐसी इन सब पे हमें मिन टर्म्स एम टू यहाँ पर मिलेगी, एम थ्री, एम फोर, एम फाइव, एम सिक्स, एम सेवन मिन टर्म्स मिलेंगी, ठीक है। तो इट मीन्स हमें वाई पे मिल रही है मिन टर्म वन, वाई ज़ीरो पे, वाई वन पे मिल रही है एम वन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मिन टर्म प्रेजेंट है, ठीक है, इनकी वैल्यू वन है, तो इन सबको जो प्रेजेंट हैं, तो ये हो गई, देखो अब हमारे पास फर्स्ट मिन टर्म यहाँ मिली, सेकेंड, थर्ड, सॉरी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, ठीक है, ये मिन टर्म्स हमें यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। अब जब ये मिन टर्म प्रेजेंट है, तो जो जो प्रेजेंट है उसको आप एक और गेट से कनेक्ट करोगे, ठीक है, ज़ीरो को कनेक्ट कर दो। अब टू वाली भी यहाँ प्रेजेंट है, फोर प्रेजेंट है, ठीक है, और सिक्स प्रेजेंट है, इन सबको आप कनेक्ट कर दो एक और गेट से, ठीक है। जो आउटपुट मिलेगा वो हमें आउटपुट मिलेगा इस फंक्शन का, ठीक है, यहाँ पर हमें मिलेगा फंक्शन का आउटपुट, ठीक है। अब कैसे देखो ये वर्क करेगा, अब जब देखो ये है हमारे पास फंक्शन, फंक्शन का टेबल, ठीक है, ऐसे फंक्शन वर्क कर रहा है, जब फर्स्ट जीरो जीरो ए बी सी की वैल्यू है तो हमें आउटपुट पे वन मिल रहा है, आप इनपुट को कनेक्ट कर दो वन से, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जब यहाँ पर जीरो 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 वैल्यू होगी तो फर्स्ट इनपुट कनेक्ट हो जाएगा आउटपुट से वाई जीरो से, अब यहाँ पर आ गया वन, ठीक है, और बाकी सब पे क्या आ जाएगा, जीरो, इन सब पे जीरो है, तो जो ये कनेक्ट है इन पे भी जीरो है, तो सम हो गया यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन, ठीक है। नेक्स्ट केस में जब यहाँ पर वैल्यू जीरो जीरो वन होगी, देखो जीरो जीरो वन होगी यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू, तो क्या होगा, सेकेंड वाले से कनेक्ट हो जाएगा आई, ठीक है, तो आउटपुट किस पे आ जाएगा, वाई वन पे, वाई वन पे क्या आ जाएगा, वन, बाकी सब पे जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या देखो, वाई जीरो पे तो जीरो ही है, वाई वन किसी इस और गेट से कनेक्ट नहीं है, तो बाकी सब पे जीरो है, तो आउटपुट पे हमें क्या मिल जाएगा, जीरो, ठीक है। तो अब देखो जो अब ये थर्ड टर्म देखते हैं, अगर जीरो वन जीरो हो तो क्या होगा, ठीक है, जीरो वन जीरो, उस केस में क्या होगा, ये अब जो हमारा इनपुट है कनेक्ट हो जाएगा वाई थ्री से, अब वाई थ्री कनेक्ट है इस और गेट से, ठीक है, तो इस पे आ गया वन, बाकी सब पे जीरो है, ठीक है, तो आउटपुट पे हमें क्या मिल जाएगा, वन। इट मीन्स देखो जब जो हमने मिन टर्म जो हमारी प्रेजेंट थी उन्हें हमने कनेक्ट कर दिया था और गेट से, जब भी इनमें से कोई एक वन होगा तो आउटपुट में हमें वन मिल जाएगा, बाकी अगर जो रह गए, अगर इनकी वैल्यू वन होती भी है तो भी हमें आउटपुट पे वन नहीं मिलेगा, ठीक है। इट मीन्स जो मिन टर्म कनेक्ट है उस पे हमें आउटपुट हाई मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप एक फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हो ऑन डी मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, थैंक यू।